हाउ आर यू ऑल कैसे बच्चे लोग इज एवरीथिंग ओके वीडियो ऑडियो इज एवरीथिंग क्लियर कैसे बाबू चपंडी सो वेलकम टू अन अकाडमी दिस इज योर के पी सर कैसे बेटा सो प्लीज कंफर्म मी इज एवरीथिंग क्लियर वीडियो ऑडियो इज एवरीथिंग क्लियर ఎస్ ఎస్ గుడ్ ఈవివ్నింగ్ గుడ్ ఈవివెనింగ్ గుడ్ ఈవివ్నింగ్ గుడ్ ఈవివెనింగ్ శుభ సాయంత్రం హార్ యూ ఆల్ కైసే బాబు చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవివెనింగ్ గుడ్ ఈవివ్నింగ్ హలో మెస్సి అంకుల్ ఓంకార్ బాక్రే షష్ఠి సైకత్ రణసింగా గారు దేబుమాల్యా దేవ్ ఆదిత్య అంజలి గుడ్ 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 ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ గు గుడ్ ఎవరి వన్ సో బిఫోర్ స్టార్ట్ ద సెషన్ మోటివేశన్కేమీస్ హ్రెక్ గేట్ టెన్టీ టెన్టీ థ్రీ టా రక్స్ అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఆటీస్ ఇంకా పత యూ నో హోగ కే ये आपका दोस्त है आपके साथ साथ लास्ट ईयर क्लासेस अटेंड कर लिया सो so ये उधर पहुंच गया आई आई में पहुंच गया और जॉब भी क्रैक किया स्टेट एडबल भी क्रैक किया सो नेक्स्ट इज यूअर टर्न नेक्स्ट इज यूअर एंड सो आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यूर फेसेस नेक्स्ट ईयर ऑन दिस स्लाइड एंड प्राउडली टू से यस वी आर के पी सर सोल्जर्स सो यू हैव टू क्रैक

सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा बस हो जाएगा नहीं होगा जस्ट यू कैन गेट बैक स्मॉल सेशन वेरी क्लियर आई एम नॉट डीलिंग इन फोर आवर्स वी फिनिश एंटायर हाइड्रोलॉजी इट इज वेरी क्लियर टू स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी क्लियर टू स्टूडेंट्स इट इज ए क्विक रिविजन सेशन ओनली इट इज नॉट ए फुल सेशन हम फुल लेंथ YouTube में नहीं आएगा हमारा फुल लेंथ, लेंथ हमारा फुल सिर्फ प्लस कोर्स में आ जाएगा सो इट इज इट इज ए शॉर्ट वाला यस दिस विल बी मोर एंड मोर फॉर यू एज ए शॉर्ट नोट सेशन हंड्रेड परसेंट इट इज हेल्पफुल एज ए शॉर्ट नोट से आदर्श आनंद गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन अभी अन अकेडमी में ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है सो so, अनअकेडमी का टॉप एडिकेटर्स के साथ माई सेल्फ जसपाल सर राजेंद्र प्रसाद सर टॉप एडिकेटर साथ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे होने के लिए पढ़ लो अच्छे से स्टडी वेल गेट द बेस्ट कंटेंट एंड क्रैक योर ड्रीम्स ऑफ गेट एंड सो अभी क्या आ रहा है अप टू फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन यूर सब्सक्रिप्शन प्लस एडिशनल प्लस एडिशनल मंथस बेनिफिट मिल रहा है आपको सो यूज अवर यूनिवर्सल कोड मालूम है ना कोड एक बार बताओ हमारा यूनिवर्सल कोड क्या है एक बार बताओ देखो आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन टोटल एट मंथ सब्सक्रिप्शन रुपीस इलेवन मंथ सब्सक्रिप्शन थर्टी थ्री थाउजेंड ये पूरा प्लस कोर्स का है और एडिशनल दस 10,000 ऐड करो आपको आईकनिक मिल जाएगा सो द बेस्ट कंटेंट बेस्ट प्राइसेस वेरी इंपॉर्टेंट हम लेके आ रहे आपके लिए ट्वेंटी या ट्वेंटी स्टूडेंट्स के लिए 20, एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए एक्सक्लूसिव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव गेट सिविल के लिए सो दिस ट्वेंटी नाइन आनवर्ड्स दिस ट्वेंटी नाइन वी आर लॉन्चिंग साइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग

हर एक चैप्टर के बारे में इंडिविजुअली यस बात करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट इट आई एम गिविंग यू द पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न वेर वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक इन हाइड्रोलॉजी वी आर हैविंग सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाइड्रोलॉजिकल फिनमिना आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इट सेल्फ हम पूरा का पूरा फुल लेंथ कोर्स नहीं कर रहा है आपका एग्जाम के लिए क्या चाहिए जो कर रहा है इधर सो so, थोड़ा थोड़ा टेबल्स मिल जाएगा एक आर्डर में बना देंगे टेबल्स देन आफ्टर दैट वी एंटर इन टू द कोर्स सो पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा हाइड्रोलॉजी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा एंड

यू नो दिस रेन रेन रेनगाज हायटोमीटर प्लुवियोमीटर ओम्रोमीटर किस चीज के लिए मेजर करेगा किस चीज के लिए मेजर करेगा <coughs> रेनग्राज हाइटोग्राफ रेनग्राज हाइटो हाइटोमीटर प्लुवियोमीटर ओमरोमीटर किस चीज के लिए रेनफॉल डेप्थ के लिए मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल सो रेन रेनगाज हाइटोमीटर प्लुवियोमीटर ओम्रोमीटर इट मेजर्स अबाउट रेनफॉल रेनफॉल और फाइटोमीटर आएगा क्या करेगा फाइटोमीटर फाइटोमीटर मेजर्स अबाउट ट्रांसपीरेशन फाइटोमीटर मेजर्स अबाउट ट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर 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 विल टॉक अबाउट यवापो ट्रांसपिरेशन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिलेगा आपको एस एस सी जेई में या गेट एग्जाम में एस एस सी जेई या गेट और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन एटमोमीटर वो भी बोल रहा है एटमोमीटर और क्या बोल रहा है एटमोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड वापोरीमीटर किस चीज के लिए किस चीज के लिए बात करेगा यवापरेशन के लिए बात करेगा योमीटर यमोमीटर एवापोरीमीटर एवापरेशन के लिए बात करेगा चलो हो गया फोर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड सो रेन गाज रेनफॉल so, we'll 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 के लिए फाइटोमीटर ट्रांसप्रेशन, लाइसीमीटर एवापो ट्रांसप्रेशन, एटमोमीटर और एवापरीशन सो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गुड इवनिंग सात्विक वर्मा चलो विल मूव ऑन नेक्स्ट विल मूव ऑन विल मूव ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट किस चीज के लिए आ रहे अरे इंस्ट्रूमेंट्स खत्म नहीं हो गया बेटा यू कंटिन्यू यू कंटिन्यू नंबर फाइव नंबर फाइव इनफिल्ट्रोमीटर और इनका नाम बोल रहे हम और दूसरा वाला दूसरा वाला क्या है रेनफॉल सिम्युलेटर किसके लिए इनफिल्ट्रोमीटर और रेनफॉल सिमुलेटर इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए इनफिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए इनफिल्ट्रेशन के लिए इनफिल्ट्रोमीटर रेनफॉल सिम्युलेटर इनफिल्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट करंट मीटर करंट मीटर किस चीज मेजर करेगा करंट मीटर किस चीज मेजर करेगा गुड सात्विक सिंगल रिंग डबल रिंग दोनों मिल जाएगा करंट मीटर वेलासिटी ऑफ फ्लो इन स्ट्रीम वेलासिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के लिए स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के लिए करंट मीटर यूज करेगा एनिमोमीटर एनिमोमीटर किस चीज के लिए बताओ बताओ जल्दी आरडी व्लॉग्स क्या हो गया बेटा आरडी व्लॉग्स सो एनिमोमीटर विंड वेलोसिटी के लिए एनिमोमीटर विंड वेलोसिटी के लिए ंचुरी फ्लूम वेंचुरी फ्लूम फ्लो डिस्चार्ज इन ए स्ट्रीम डिस्चार्ज इन ए स्ट्रीम डिस्चार्ज इन ए स्ट्रीम सो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज इन हाइड्रोलॉजी सो सिर्फ हाइड्रोलॉजी का बारे में बात किया हम हाइड्रोलॉजी में क्या क्या चीज आ रहा है कौन सा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है इनका लिस्ट बना दिया हम लिस्ट बना दिया इज द क्लियर सो एक साथ में मिलने के बाद गुड आफ्टरनून एस बी सो हर एक चीज एक साथ में मिलने के बाद बहुत कुछ रहेगा एट वन लोकेशन एक जगह में मिल गया अच्छे से पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो एग्जाम को चलो आसान हो जाएगा आपको चलो और क्या आएगा और क्या है अदर देन दिस एनीथिंग मोर यस वी हैव डिफरेंट थिंग्स विल डिस्कस अबाउट दोज ग्राफ्स आल्सो वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स सो नेम ऑफ द ग्राफ नेम ऑफ द ग्राफ एंड इट्स डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ द ग्राफ एंड इट्स डिस्क्रिप्शन सो एक साथ में मिल जाएगा देन नेक्स्ट टेबल ग्राफ्स वर्सेस डिस्क्रिप्शन ग्राफ्स वर्सेस डिस्क्रिप्शन एक साथ में मिल जाएगा आपको नेक्स्ट टेबल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट फेमस ग्राफ इन हाइड्रोलॉजी हाइड्रोग्राफ हाइड्रोग्राफ सो हाइड्रोग्राफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट Discharge versus time. Hydrograph is going to represent discharge versus time. So what it is showing discharge versus time representation kya hai What it expresses? What hydrograph expresses? आपको hydrograph बनने के बाद क्या express कर रहा है? Hydrograph क्या express कर, कर रहा है? Hydrograph बनने के बाद क्या express कर रहा है? हाइड्रोग्राफ एक्सप्रेस कर रहा है फ्लक्चुएशंस ऑफ रन ऑफ इन ए स्ट्रीम फ्लक्चुएशंस ऑफ रन ऑफ इन ए स्ट्रीम दट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोग्राफ फ्लक्चुएशंस ऑफ रन ऑफ इन ए स्ट्रीम यस हर एक घंटा ऑफ ऐसा चेंज करके, चेंज करके चेंज करके चेंज करके चल जाएगा ना दट वेरिएशन रन ऑफ वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दट वॉज शोन फ्लक्चुएशन ऑफ रन ऑफ इन ए स्ट्रीम फ्लक्चुएशन ऑफ रन ऑफ इन ए स्ट्रीम देन हाइटोग्राफ ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन एमोंग लर्नर्स ये हाइड्रो का बारे में सुनो बेटा हाइड्रो हाइड्रो इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम हाइटो हाइटो इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम हर एक घंटा का इंटेंसिटी इंटेंसिटी वर्सेस टाइम बोल रहा है हम इंटेंसिटी वर्सेस टाइम हाइटोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम सो दिस हाइटोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट व्हाट इट रिप्रेजेंट Every hour rainfall fluctuation. Runoff fluctuation shown by hydrograph. But every hour, har ek ghanta change in rainfall value. That uh, fluctuations of uh, hourly fluctuations. Fluctuations of rainfall. Hourly fluctuations of rainfall. That is shown by hyatograph. दट इज शोन बाय हाइटोग्राफ समझ आ रहा है अवरली फ्लक्चुएशन ऑफ रेनफॉल अवरली फ्लक्चुएशन ऑफ रेनफॉल दट इज शोन बाय हाइटोग्राफ देन रेनफॉल मास्क रेनफॉल मास्क क्या बोल रहे रेनफॉल मास्क करो रेनफॉल मास्कर विज शोइंग क्यूम्युलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्यूम्युलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्स टाइम क्यूम्युलेटिव डेप्ता ऑफ रेनफॉल वर्स टाइम सो ऑलवेज ए रईजिंग कर इट इज ऑलवेज ऑलवेज ए रेइिंग करो सो क्यूमलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्स अ टाइम दिस इज ऑलवेज ए रेइिंग करो रेइिंग करो अब आएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन स्टार्स दे दो इनके लिए रेनफॉल डबल मास्क करो यू प्लेज गिव 10, 20, 30 stars for it. Most repeated of the graphs. Most repeated of the graphs. Rainfall double masker. What it gives? What it gives? Rainfall double masker. What it gives? <laughs> so, regarding consistency of rainfall record. Consistency of rainfall record. कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाई कौन देर है कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाई प्रोवाइडेड बाई रेनफॉल डबल मास्कर यस ये आप बोल रहा है पहले सुनो बेटा क्यूम्युलेटिव बोलना पड़ेगा एवरेज ओके एवरेज ओके क्यूमलेटिव क्यूमलेटिव Normal annual rainfall yet X versus cumulative average normal annual rainfall. Cumulative average normal annual rainfall yet base stations. Cumulative Normal annual rainfall at a station X versus <coughs> cumulative average normal annual rainfall at a base station. Okay, done. Is this completed? Finish your writing. क्या हो गया सईकत गारू क्या बाई बोल रहे थप्पड़ मिलना चाहिए बाई बोलने के बाद आपको ओमकार बाबा Oum, को फर्स्ट एक्स होना चाहिए देन आफ्टर दैट वाई जेड मिलना चाहिए ओंकार बाबा को फर्स्ट एक्स होना चाहिए एक्स के बाद वाई जेड होना चाहिए ओंकार बाबा चलो लिखो जल्दी लिखो नो प्रॉब्लम राइट डाउन राइट डाउन आपका लिखने का टाइम दे रहे क्योंकि ये बात सुनो मेरा पास पीडीएफ सेव नहीं हो रहा है इधर स्मार्ट बोर्ड में पीडीएफ सेविंग नॉट पॉसिबल सो आप अच्छे से लिखो लिखने के बाद मेरे को दे दो आई विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो एटलीस्ट वन आर टू स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नोट्स लिख के दे दो ना मेरे को देन आई विल गिव टू योर फ्रेंड्स सो यू हैव टू राइट

नेक्स्ट करो क्या है डैड करो डैड करो डैड करो का डिस्क्रिप्शन बोलो कोई आदमी बताओ ना डैड करो का डिस्क्रिप्शन क्या है डैड करव का डिस्क्रिप्शन डेप्थ एरिया ड्यूरेशन करो डेप्थ, डेप्थ कौन सा एक्सिस डेप्थ कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस। एरिया एक्स एक्सिस एरिया एक्स एक्सिस। ड्यूरेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डिनेट्स डिफरेंट ड्यूरेशन सो इट इज ऑलवेज ए चीज बताओ ऑलवेस ऑलवेज फॉलिंग कर डैड कर इज ऑलवेज से फॉलिंग कर वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज स्टार मार्क देने वाला दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वी नीड टू गिव स्टार मार्क फॉर इट डैड कर इज ऑलवेज से फॉलिंग कर फेवरेट अरे वाह वा डैड कर इज ऑलवेज से फॉलिंग कर ऑलवेज से फॉलिंग कर और नेक्स्ट कौन है दिस इज फिफ्थ वन सिक्स कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व ये क्या बोल रहे हैं कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या बोल रहे डिस्चार्ज वर्सेस ज ऑफ टाइम ऑफ फ्लो एक्सीडेड डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ फ्लो एक्सीडेड दट इज कन्वेन्शनल फ्लो ड्यूरेशन करो डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ फ्लो एक्सीडेड कन्वेन्शनल फ्लो ड्यूरेशन करो और भी आएगा सेवेंथ वन आईडीएफ कर आईडीएफ आईडीएफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी इन वायक्सिस ड्यूरेशन एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व अगेन इनको भी क्या लिखना पड़ेगा इनको भी क्या लिखना पड़ेगा सेम फॉलिंग कर्व फॉलिंग कर्व सो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया इंस्ट्रूमेंट्स का बारे में बात किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स का बारे में बात किया Different types और दूसरा टेबल आएगा और वन मोर टेबल विल कम आफ्टर दैट विल गो अहेड विथ अवर चैप्टर्स सो वन मोर टेबल मालूम था ना कॉन्टूर्स रिगार्डिंग कैचमेंट में कॉन्टूर्स आएगा आइसोप्लीथ आइसोबार आइसोनिफ आइसोक्रोन ये कॉन्टूर्स में आने वाला टोटल डेप्थ इनका बारे में बात करेगा उधर दिस इज कंप्लीटेड फिनिश दिस वन ड ना दिस स्लाइड इज फिनिश दिसड इज फिनिश बाई एवरी वन ये नहीं चाहिए सैकत दादा दट इज नॉट रिक्वाइर्ड क्रोनोलॉजिकल चार्ट बार चार्ट दो आर ऑल अननेसेसरी थिंग्स नॉट रिक्वाइर्ड एज ऑफ नाउ नोटेड ना चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा टूर्फ कांटूर अंड रिप्रेसिंग ईक्वल जॉयनिंगक्वल टाइप ऑफ कॉन्टूर्ड हेडिंग ईक्वल इनिंग इक्वल अरे हर एक चीज इधर बात करने के लिए फुल लेंथ कोर्स नहीं था माल देव माल्या देव ये क्रैश कोर्स एग्जैक्टली exactly, एग्जाम के लिए क्या चीज चाहिए वो बात करेगा इधर फुल लेंथ कोर्स में 60 आवर्स चलेगा ना उधर बात करेगा हर एक चीज हियर वी आर टेकिंग फोर आवर्स और फाइव आवर्स पूरा हाइड्रोलॉजी खत्म करने वाला चलो टाइप ऑफ कान्टर टाइप ऑफ कान्टूर क्या है द फर्स्ट एंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट आइसोप्लीथ आइसोप्लीथ इज द लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल हाइड्रोग्राफ में टाइम इज थर्टी मिनिट इंटरवेल गिवेन रन ऑफ फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर क्या बोलेगा यूजर जीरो सेवन आइसोपलूवियल चलो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आइसोप्लीथ वन मिनट गाइस आइसोप्लीथ इक्वल डेप्थ ऑफ एवापो ट्रांसपरेशन equal depth of evapotranspiration equal depth of evapotranspiration you can write pet potential evapotranspiration potential evapotranspiration now pet na? pet is not time of travel pet potential ev evapotranspiration please प्लीथ है ना प्लीथ आईसो प्लीत आईसो हाइट लिखो आइसो हाइट आइसो हाइट लिखो आइसो हाइट इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आइसो हाइट आइसो हाइट में इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आइसोनिफ आइसोनिफ में इक्वल डेप्थ ऑफ कौन आएगा अभी स्नोफॉल स्नोफॉल रेनफॉल के लिए आइसो हाइट स्नोफॉल के लिए आइसोनिफ स्नोफॉल के लिए आइसोनिफ समझ आ रहा है अभी क्लीथ इज फॉर एवापो ट्रांसफोरेशन पोटेंशियल एवापो ट्रांसप्रेशन इट फर् ड आफन फाफर स्नोफ़ॉल। नेक्स्ट। स्नोफा अब आएगा टाइम ऑफ़ ट्रावल आदित्य इक्वल टाइम आफ इक्वल टाइम ऑफ़ काट्रेशन और टाइम ऑफ़ ट्रावल इक्वल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इक्वल टाइम ऑफ ट्रैवल आइसो प्लुवियल ये चीज क्या है प्लुवियल गारू कौन है बीच में आइसो प्लुवियल इक्वल रेनफॉल डेप एंड रिटर्न पीरियड दोनों माना पड़ेगा इधर

सो शोइंग बोथ रेनफॉल डेप्थ एज वेल एज रिटर्न पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करेंस दोनों शो कर रहा है शोइंग बोथ डेप्थ ऑफ रेनफॉल एज वेल एज रिटर्न पीरियड बोथ आर गोइंग टू मैच ऑर हियर सो इक्वल रेनफॉल डेप्थ एंड रिटर्न पीरियड ये बोल रहा है आईसो प्लुवियल आईसो प्लुवियल आईसो वेल देन आईसो बार मालूम था आपको ये दोनों चीज इजी इजी ना आईसोवेल आइसो बार आईसोवेल आइसो बार इक्वल वेलासिटी इक्वल वेलासिटी ऑफ फ्लो इन द कैचमेंट दो चीज है दो लोकेशन है कैचमेंट में दो लोकेशंस में सेम वेलासिटी ऑफ फ्लो चल रहे इनका बारे में बोलेगा आइसोवेल इक्वल प्रेशर पॉइंट इक्वल प्रेशर्स आईसो बार इक्वल प्रेजर्स आईसो बार चलो सो दिस थ्री टेबुल से आपका दो क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर रहा है हम कोई एग्जाम में एस एस सी ये स्टेट ये ही एडबल यू में गेट में वन मैच द फॉलोइंग वेलकम स्टेट एक्साम एस एस सी जेई ए डबल टू क्वेश्चन इन दिस टेबल थ्री टेबल्स एंड गेट में ये क्वेश्चन पक्का मैच द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्ट्राइट अवे आर एक्सपेक्टिंग, टेबल्स खत्म डन विल मूव ऑन नेक्स्ट, सो नाउ विइट डाउन नाउ विल राइट डाउन द हेडिंग

स्ट्राइट अवे क्वेश्चन आर कमिंग नोट विस आर देर चलो सो प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन चीज के बारे में बात करेंगे अब प्रेसिपिटेशन अक्कर इन टू फॉर्म्स सॉलिड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज रेनफॉल लिक्विड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज स्नोफॉल सॉलिड प्रेसिपिटेशन वी कॉल इट एज रेनफॉल लिक्विड प्रेसिपिटेशन वी कंसिडर इट एज स्नोफॉल स्नोफॉल सो वट इज प्रेसिपिटेशन एनी काइंड ऑफ मॉइसर ये मॉइसर सॉलिड फॉर्म से आएगा और लिक्विड फॉर्म से आएगा एनी काइंड ऑफ मॉइसर मॉइस्सर ऊपर से एटमॉस्फेयर से ग्राउंड लेवल तक मिल जाएगा इधर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दैट इज वाई एनी काइंड ऑफ मॉइसर रीचिंग रीचिंग ग्राउंड लेवल कहां से कहां से एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से फ्रॉम एटमॉस्फेयर Any kind of moisture reaching ground level from atmosphere. चलो हाँ रोशन कुमार <laughs> या जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करने के बाद सब छोटा छोटा मिस्टेक्स हो जाएगा डोंट वरी रोशन कुमार सो सॉलिड प्रेसिपिटेशन इज स्नोफॉल लिक्विड प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल सो फ्रॉम एटमॉस्फेयर बारिश आ रहा है either in the form of liquid rainfall or in the form of solid snowfall any kind of moisture reaching the ground level reaching the ground level from atmosphere due to or as a result of due to condensation of water vapor condensation of water vapor वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड इन द क्लाउड्स क्लाउड्स में वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गया क्लाउड्स में वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गया एकट करने वाला वाटर वेपर कंडेन्स करके देन इट इज गोइंग टू रिलीज एज ए इट इज गोइंग टू रिलीज एज ए प्रेसिपिटेशन सो यह प्रेसिपिटेशन होने के लिए प्रेसिपिटेशन होने के लिए Then there are phases. Phases in occurrence of rainfall. Rainfall or snowfall, whatever it may be. Phases in a rainfall occurrence. Rainfall occurrence may kya kya cheese chal re. So first cheese is end of evaporation. That will be starting of precipitation. So from वाटर बॉडी एट ग्राउंड लेवल पानी वाटर कन्वर्टेड इंटू वाटर वेपर एंड एकटेड इन टू एटमोसफियर दट एंड ऑफ एवॉपरेशन इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रेस्पिटेशन सो बोथ आर इंटरलिंकड समझ लो बेटा एवपरेशन खत्म हो गया

कौन तो बोल रहे सौरव कुमार देव माल्या गारू हम पूछ रहा है क्लाउड का अंदर क्या है क्लाउड का अंदर वाटर वेपर इज देर हमको प्रेसिपिटेशन करने के लिए वेपर लिक्विड जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा और वेपर सॉलिड जैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दट वाटर वेपर टेम्परेचर इज गेटिंग रिड्यूस्ड सो वेपर कन्वर्टेड इंटू तो लिक्विड और वेपर कन्वर्टेड इंटू सॉलिड सॉलिड प्रणाम जिंगीड मैडम लेट आ गया क्या सो फर दट वॉट इज द फेज वी रिक्वेर कूलिंग कूलिंग सो दट वाटर वेपर है टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज वार्मीशन सो दट वाटर वेपर इज वाटर वेपर टेम्परेचर इज टू बी रिड्यूसड कूल डाउन कन्वर्टेड इंटू वेपर इज कन्वर्टेड इंटू लिक्विड दट फिन इज कूलिंग इनके बाद क्या चल रहा है इनके बाद कंडेन्फ्टर दैट कंडेन्सेशन चल रहा है आफ्टर दैट वट इज गोइंग ऑन वट इज गोइंग ऑन आफ्टर कंडेन्सेशन सॉरी आफ्टर कूलिंग आफ्टर कूलिंग वट इज गोइंग ऑन कूलिंग के बाद कूलिंग के बाद क्या चल रहा है सो कूलिंग के बाद कंडेंसेशन हो जाएगा देन देन आफ्टर कंडेंसेशन आफ्टर कंडेंसेशन ग्रोथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ग्रोथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ प्रेसिपिटेबल साइज कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा वन माइक्रोन डायामीटर कंडेंसेशन खत्म होने के बाद हमको वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा वन माइक्रोन डायामीटर बट दैट वन माइक्रोन डायामीटर इज अनेबल टू फॉल डाउन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ग्राउंड लेवल एटलीस्ट वन एम एम पॉइंट फाइव एम एम टू एम एम थ्री एम एम इतना होना चाहिए टू फॉल डाउन एज ए वाटर ड्रॉपलेट सो दट दट वाटर ड्रॉपलेट मिक्स टूगेदर एग्लोम कंबाइंड टूगेदर मर्जीदर फार्मिंग इन टू रिक्वेड साइजेस वन एम एम पॉइंट फाइव एम एम थ्री एम एम ड्रॉपलेट्स ग्रोथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड दट लीड्स टू प्रेस्पिटेशन सो दो स्टेजेस Accumulation of moisture forming the cloud. Next, water vapor is getting cooled down, undergone condensation, third stage condensation, water vapor converted to liquid. Liquid water droplet first formed is called condensation nuclei 1 micron. That condensation nuclei 1 micron is going to increase its size, increase its size, increase its size, and fall down as a fall down as a rain water droplet. क्लियर क्लियर हो गया चलो कंप्लीटेड राइटिंग फिनिश राइटिंग बताओ जल्दी एवरी वन कंप्लीटेड राइटिंग सो बिफोर टॉकिंग इन डिटेल्ड अबाउट प्रेसिपिटेशन फ्यू थीरिटिकल पॉइंट्स आर हियर फ्यू थियरिटिकल पॉइंट्स आर हियर टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इनका वैल्यू क्या है वर्ल्ड में पूरा का पूरा अवेलेबल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इट इज ऑलवेज फिक्सड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड नॉट चेंजिंग बिकॉज वाटर इज ने क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड जस्ट वन फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म मीन्स लेक में होने वाला रिवर में चलेगा रिवर में होने वाला ओशियन में चलेगा ओशियन में होने वाला एटमॉसफियर में क्लाउड में चल जाएगा जैसा चेंज हो जाएगा बट टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल इन द एटमॉस्फियर एटमोस्फियर इज ऑलवेज फिक्स वाव i feel very proud all of you guys keep going i am very happy now everyone knows the value you remember the value 1380 million cubic kilometer 1380 million cubic kilometer total volume of world water average annual रेनफॉल ये एवरेज एन्युअल रेनफॉल हम दो चीज का बारे में बात करेगा इंडिया का एवरेज एन्युअल रेनफॉल क्या है वर्ल्ड का एवरेज एन्युअल रेनफॉल क्या है वैल्यू ऑफ एवरेज एन्युअल रेनफॉल इन इंडिया एज वेल एज वैल्यू ऑफ एवरेज एन्युअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड बताओ बताओ जल्दी So for India 120 centimeters for India it is 120 centimeter good for the world 100 centimeters for the world hundred centimeter <coughs> now average annual rainfall range in India at different location different location mil na? एवरेज एन्युअल रेनफॉल रेंज लोएस्ट वैल्यू क्या है हाइएस्ट वैल्यू क्या है कहा, कहा मिल जाएगा दट इज हंड्रेड एंड टेन एम एम टू हंड्रेड एंड टेन एम एम टू टू लेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी एम एम सो दिस इज हंड्रेड एंड टेन एम एम इन लोयेस्ट वैल्यू इन वेस्टर्न राजस्थान इन वेस्टर्न राजस्थान एंड दिसनरासिन ऑफ मेघालय मेघालय

Haan, पायल जेंगिडारू का घर में वन टेन लोएस्ट क्योंकि करने वाला पानी रोक गया पायल जेंगिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पायल जेंगिड पूरा का पूरा एवापरेशन नहीं हो है बिकॉज ऑफ दट रीजन रेनफॉल भी नहीं हो रहे राजस्थान में सो वी हैव टू पुश पायल जेंगिड फ्रॉम राजस्थान टू और दूसरा जगह देन राजस्थान पीपुल विल गेट द वाटर दे विल गेट द वाटर चलो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एक क्लासिफिकेशन दे रहे हम

among that the most important phase is cooling which is a naturally happening phenomena not under human control <clears throat> so that cooling how the cooling process is going to take place based on that how the cooling process is going to take place based on that precipitation is classified precipitation is classified into four types can classify precipitation into four types so this is most important so pehle wala convective precipitation second one cyclonic precipitation third one ओरोग्रफिक प्रेसिपिटेशन फोर्थ फ्रंटल प्रिपिटेशन आलरे दिस इज गिवेन टू मार्क्स क्वेश्चन इन गेट एक्साम एंड दिस इज गिवेन इन एस एस सी जे इंडिविज्युअल बट नॉट मैच द फॉलोइंग इन गेट मैच द फॉलोइंग एस एस सी जे एंड स्टेट इंडिविज्युअलिंग what are the forces causing and what are their individual features individually they are asking so convective orographic frontal and cyclonic precipitations if we come talk about a convective precipitation temperature difference is going to cause the cooling process temperature difference is going to cause cooling process in orographic फिक प्रेजर डिफरेंस इज सॉरी इन साइक्लोनिक इन साइक्लोनिक प्रेजर डिफरेंस इज गोइंग टू काज कूलिंग प्रोसेस कूलिंग कूलिंग इन द एटमोस्फेयर हम किसका बारे में बात कर रहे हैं क्लाउड प्रेजेंट वेरी हाई अब द ग्राउंड लेवल टेन किलोमीटर ट्वेल्व किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल क्लाउड कूल होने के बाद भी पानी आएगा ग्राउंड में A cooling process done by temperature difference convective precipitation, pressure difference, cyclonic precipitation by natural barriers, hills and mountain. Natural barriers, natural barriers, hills and mountain. That natural barriers causes orographic precipitation. Warm and cold fronts. Warm and cold fronts. Those are responsible for frontal precipitation. <coughs> Those are responsible for frontal precipitation. <laughs> Temperature difference, convective. Pressure difference, cyclonic. Natural barrier, orographic. Warm and cold fronts, uh, frontal precipitation. वम एंड कोल्ड फ्रेंट फ्रेंटल प्रेसिपिटेशन नौ और कौन आएगा अभी दिस इज ए सडनली अकरिंग समर रेनफॉल कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज ए सडनली अक्करिंग समर रेनफॉल समर सीजन में ऑल ऑफ ए सडन सम फोर आवर्स और फाइव अवर्स सडनली इवनिंग टाइम एक रेनफॉल आएगा बहुत जोर से आएगा बारिश और इतना फास्ट आ गया इतना जल्दी खत्म हो जाएगा सो ग्राउंड लेवल टेम्परेचर इज वेरी हाई वार्मेकन अपन अपन अपल लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर मास क्रिएट कूलिंग इन द एटमोस्फियर सो दर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर मासस काजस कन्वेक्टिव प्रेस्पिटेशन वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ वाम एयर मास फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एटमॉस्फेयर ग्राउंड लेवल टू एटमॉस्फेयर वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ एयर मासेस क्या बोल रहे आदित्य कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंटल प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म इन जोग्राफी ये फ्रेंटल प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म हम इतना अच्छे से बता दिया प्लस कोर्स में कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट का बारे में इट इज सिंपली लाइक ए एनोनिमस मैन एनोनिमस मैन सुनो इट इज सिंपली लाइक एन एक्सीडेंट दिस इज ए फ्रंट ड्राई वार्म फ्रंट विच इज स्टैटिक ओके कोल्ड फ्रंट इज ए हेवी लोडेड व्हीकल ड्राई फ्रंट इज ए लाइट व्हीकल इट इज योर बाइक समझ आ रहा है वार्म फ्रंट इज योर बाइक दिस इज योर बाइक लाइट व्हीकल वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रेंट इज एवी लोडेड वेहीकल ट्रक हेवी लोडेड लॉरी ट्रक कमिंग इट इज मूविंग कमिंग 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 एंड हिटिंग हिट हिट करने के बाद इतना कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा कोल्ड फ्रेंट का मॉइस्टर कंटेंट एंड वार्म का एयर मासस दोनों हिट करेंगे वन इज स्टैटिक अनदर वन इज मूविंग वाम फ्रेंट इज स्टैटिक कोल्ड फ्रेंट इज मूविंग और ऑपोजिट भी वार्म फ्रेंट कोल्ड फ्रेंट इज स्टैटिक वार्म फ्रेंड इज मूविंग दोनों हिट करेगा हिट करने के बाद कोलैप्स हो जाएगा एटमोस्फियर में ऑल मॉइस्चर कंटेंट दट लीड्स टू प्रेसिपिटेशन दट इज कॉल्ड फ्रेंटल प्रेसिपिटेशन चलो एनॉनिमस मैन अरे हम कहा है इधर बात कर रहे ना समर रेनफॉल एंड साइक्लोनिक साइक्लोनिक इंडियन मानसून सीजन रेनफॉल साइक्लोनिक मानसून रेनफॉल इंडियन मानसून सीजन रेनफॉल साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन सो हियर यू राइट नैचुरल बैरियर नेचुरल बैरियर इज ए हिल्स एंड माउंटेन इधर लिखना पड़ेगा हिल्स एंड माउंटेन नेचुरल बैरियर सो एक बात इनके बारे में बात करेगा दिस इज ए हिल सो कोल्ड एर मासस आर मूविंग

इनका डायरेक्शन चेंज करके चेंज करके एटमॉस्फेयर में चले गए इधर से इधर से बारिश आ रहे एटमॉस्फेयर से इधर से बारिश आ रहे हमको सो द कोल्ड एयर मासस चेंजेस दे डायरेक्शन चेंजेस देयर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हिल आर माउंटेन्स ड्यू टू हिल आर माउंटेन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड विंडवर्ड कौन सा जगह पे रेनफॉल आ रहा है बारिश आ रहा है दट इज विंड वर्ड ऑन विच साइड रेनफॉल इज अक्कर ऑन विच साइड रेनफॉल इज अक्कर दट इज कॉल्ड विंडवर्ड रीजियन एंड अदर साइड में ये माउंटेन का दूसरा जगह पे रेनफॉल आ रहा है क्या माउंटेन का दूसरा जगह पे दिस इज कॉल्ड लीवर्ड रीजियन लीवर्ड रीजियन बट इट क्रिएट्स

But it creates a dark atmosphere, very dark atmosphere like a night, even in a day also, it creates darkness. We feel that in some time, in shortest time, rainfall is going to happen. So, but uh, rainfall is not going to happen. That is called rain shadow region. In ka rahe rain shadow region. So this is happening. This is happening at uh, Orographic Himalayas and Western Ghats. Orographic happening at Himalayas and Western Ghats. Orographic precipitation happening at Himalayas and Western Ghats. Frontal precipitation, it happens in both monsoon. एंड पोस्ट मॉनसून रेनफॉल मानसून एंड पोस्ट मॉनसून रेनफॉल फ्रंटल प्रेस्पिटेशन फ्रेंटल प्रेसपिटेशन सो इधर क्या लिखना पड़ेगा हम टेम्परेचर डिफरेंस समर रेनफॉल इट इज ए हेवी रेनफॉल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हेवी रेनफॉल for short duration that is convective cyclonic cyclonic is a moderate rainfall moderate rainfall long duration long duration so we can't say orographic and frontal that depends upon the atmospheric conditions कभी कभी ये शॉर्ट हो जाएगा कभी कभी लॉन्ग हो जाएगा कभी कभी हेवी हो जाएगा कभी कभी मॉडरेट हो जाएगा वी कांट कंक्लूड एनीथिंग रिगार्डिंग दिस ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल का बारे में सो ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कन्वेक्टिव बाय टेम्परेचर साइक्लोनिक बाय प्रेशर बाई बाय नेचुरल बैरियर देन फ्रंटल बाय वार्म एंड कोल्ड फ्रेंड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ए समर रेनफॉल कन्वेक्टिव मानसून रेनफॉल साइक्लोनिक एंड नेचुरल बैरियर से हिमालय एंड वेस्टर्न गार्ड्स में ओरोग्राफिक मानसून पोस्ट मानसून दोनों में फ्रंटल <laughs> दोनों में फ्रंटल हो जाएगा चलो कंप्लीटेड गाइस इनिशियल राइटिंग शेल वी मूव ऑन शेल वी मूव ऑन फ्रॉम हियर हो गया प्रीवियस स्लाइड दिस वन आदर्श सुधाकर गारो दिस वन हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो अरे पीडीएफ नहीं मिलेगा मैडम पीडीएफ नहीं मिलेगा आज आप लिखना पड़ेगा आप लिखने के बाद हमको दे दो पीडीएफ हमको आपसे पीडीएफ होना चाहिए मैडम हो गया कंप्लीटेड क्लास इज टिल सेवन क्लास विल गो ऑन टिल सेवन सेवन फिफ्टीन सेवन थर्टी बिकॉज आठ बजे हमको प्लस क्लास है दट इज वाई बिफोर दैट वी विल क्लोज डन Rainy seasons in India, monsoon rainfall June to September, <clears throat> monsoon rainfall June to September. What we call it as? Southwest monsoon. साउथ वेस्ट मानसून काजड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स काजड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स साउथ वेस्ट मानसून काजड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कहा आ रहा है First rainfall occur in Kerala and Assam. First rainfall occur in Kerala and Assam. And it is a combination of cyclonic and frontal. Cyclonic frontal precipitation. साइक्लोनिक फ्रंटल प्रेस्पिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट रेनफॉल अक्कर थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट रेनफॉल अक्कर थ्रू आउट इंडिया पूरा का पूरा हमारा कंट्री में रेनफॉल हो जाएगा इंडिया एक्सेप्ट कौन सा जगह में नहीं आ रहे कौन सा जगह में नहीं आ रहे बताओ अरे क्या हो रहा है बाबू गुड तमिलनाडु Tamil Nadu and Jammu and Kashmir. Tamil Nadu and Jammu and Kashmir. Done. Second one Post monsoon rainfall. Post monsoon rainfall.

नॉर्थ ईस्ट मानसून पोस्ट मॉनसून रेनफॉल वॉट एवर लेफ्ट ओवर रेनफॉल इज देर ना दैट लेफ्ट ओवर रेनफॉल आफ्टर मॉनसून सीजन दैट रिमाइनिंग इज गोइंग टू बी प्रेसिपिटेटेड तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड दिस इज सेट टू बी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हम इधर क्या बात कर रहे हैं एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बात कर रहे कौन है ये एनॉनिमस मैन आप कौन है आपका नाम नहीं मालूम बट वॉट एवर वी आर स्टडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लास्ट थर्टी ईयर्स डेटा सिर्फ एक साल का डेटा नहीं वन ईयर का डेटा नहीं लास्ट थर्टी ईयरस डेटा से इनका बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहे देरी क्लियर तमिलनाडु में क्यूमिलोनिम्बस क्लाउड से नहीं आएगा और दूसरा क्लाउड से आएगा हमको नहीं मालूम बट वी आर टॉकिंग हियर मानसून रेनफॉल बाय क्यूमिलोनिम्बस क्लाउड्स दोज आर नॉट गिविंग रेनफॉल इन तमिलनाडु चलो देन थर्ड वन विंटर रेनफॉल विंटर रेनफॉल डिसेंबर टू फ़िब्रवरी, डिसेंबर टू फ़िब्रवरी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लीड्स टू स्नोफॉल आल्सो, इट मे बी रेनफॉल और इट मे बी स्नोफॉल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड विंटर रेनफॉल Winter rainfall, summer rainfall, convective precipitation, convective precipitation, March to May, March to May. चलो मछली गारू आज मछली गारू को कुछ खाना नहीं मिल गया सो so, मछली पकड़ने के चले गए सलीम चाचा सलीम चाचा मछली पकड़ने के लिए बाहर चले गए क्या करेगा सलीम चाचा के लिए हम चलो कंप्लीटेड गाइस Forms of precipitation. Forms of precipitation. First one rainfall. Rainfall. Rainfall is a liquid precipitation. Liquid precipitation with the diameter of water droplet diameter of water droplet greater than 0.5 mm intensity greater than 1 mm per hour <coughs> intensity greater than 1 mm per hour liquid precipitation with the diameter greater than 0.5 mm इंटेंसिटी वन एम एम्पर आवर दट इज रेनफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल कौन है बीच में स्नोफॉल सेम कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स सॉलिड प्रेसिपिटेशन सॉलिड प्रेसिपिटेशन क्रिस्टल्स ऑफ आइस आइस, ग्रेटर दैन जीरो इंटेंसिटी ग्रेटर इंटेंसिटी ग्रेटर लिक्विड प्रेसिपिटेशन डायामीटर ग्रेटर दैन पॉइंट फाइव इंटेनिटी ग्रेटर दैन वन एम एम पर रेन फॉल सालिड प्रेसिपिटेशन क्रिस्टल्स इंटेनसीटी ग्रेटर देन वन स्नोफॉल सो इधर हम लिख दिया रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन वन एम एम पर आवर डायामी पॉइंट फाइव डायामीटर और छोटा हो गया इंटेंसिटी और कम हो गया लेस देन वन एम एम इनका नाम क्या बोल रहे हैं इनका नाम क्या बोल रहे हैं लेस देन वन एम एम पर आवर हो गया इंटेंसिटी डायामीटर ऑफ पार्टिकल लेस देन पॉइंट फाइव एम हो गया इनका नाम क्या बोलेगा हम बताओ ना बताओ ना बेटा इनका नाम क्या दे रहे हैं ड्रिजिल ड्रिजिल वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म साइज लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स यूनिफॉर्म साइज लिक्विड ड्रॉपलेट्स all particles of same size uniform size liquid droplets of diameter less than or equal to 0 0.5 mm intensity less than or equal to 1 mm per hour that is called drizzle sprinkles of uniform particles all water droplets are like sprinkle like a हमारा घर में बाथरूम में मिल जाएगा शवर शवर में इतना छोटा छोटा होल होगा तो स्प्रिंकिल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल वाटर हैविंग सेम साइज क्योंकि उधर होल डायामीटर पोर डायामीटर सेम साइज रहेगा ना हर एक पोर डायामीटर इन द शवर इज सेम सो हर एक वाटर ड्रॉपलेट सेम साइज से मिल जाएगा सो दट दट इज सेट टू बी दट इज सेट टू बी उधर हम बोले इधर हम बोलेगा ड्रिजिल ड्रिजिल और कौन आएगा बीच में ड्यू ड्यू और मिस्ट ड्यू और मिस्ट ये क्या है ड्यू और मिस्ट कभी सुना वर्ड कभी सुना ये वर्ड मनीष साहू कैसे है बेटा हाउ आर यू क्या अभी तक कहा चले गए आदर्श सुधाकर एट वन टू थ्री सो एवापरेशन ड्यूरिंग एवापरेशन ड्यूरिंग डे टाइम सेम वाटर विच इज एवापरेटेड ड्यूरिंग डे टाइम डे टाइम

रात इतना कूलिंग हो गया इतना कूलिंग हो गया ये पूरा का पूरा क्लाउड अगेन कंडेंस करके वाटर वेपर अगेन लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट जैसा कन्वर्ट करके रेनफॉल कर दिया दट इज कॉल्ड एवापरेशन ड्यूरिंग डे टाइम कंडेंसेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम रिजल्टिंग रेनफॉल ऑन द सेम नाइट दट इज कॉल्ड ड्यू आरमिस्ट दट इज कॉल्ड ड्यू आरमिस्ट Chalo. yes vapour is accumulated vapour accumulated during daytime is evaporation vapour accumulated during daytime is evaporation and what is released is condensation that is during night time that is during night time now glaze glaze Ice crystals of ice crystals of three to five mm diameter glaze hail ice balls of eight mm or greater size. आइस बाल साफ एट एम एम और ग्रेटर साइज स्लीट ड्रिजिल और रेन दट फ्रीजेस एज इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ स्लीट बोलेगा स्लीट ड्रिजिल आर रेन विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स that will say sleet ice balls of greater than or equal to 8 mm hail measurement of rainfall measurement of rainfall we are talking about rain gases. Rain gases. Rain gases classified into non recording rain gases and recording rain gases. रिकॉर्डिंग रेन गाज एंड रिकॉर्डिंग रेन गाज गुडनिंग सुनीता दिस मच लेट सो नॉन रिकार्डिंग रेन गाज सईम रेनगा एंड is rain gas which is also called modified simons rain gas modified simons rain gas so what is the difference between simons rain gas and modified simons rain gas either frp bottle milega to collect the water to collect the water <coughs> एटमॉस्फेयर से रेन का आने का टाइम पे पानी कलेक्ट करने के लिए साइमनस रेनगाज में ग्लास बॉटल मिलेगा आपको ग्लास बॉटल मॉडिफाइड साइमनस रेनगाज में प्लास्टिक बॉटल एफ आर पी फाइबर री पॉलीमर फाइबर री पॉलीमर प्लास्टिक बॉटल मिल जाएगा देन रिकॉर्डिंग रेनगाजस क्या है रिकॉर्डिंग रेन गाजस रिकॉर्डिंग रेन गाजस टिपिंग बकेट टाइप दिस इज फॉर रिमोट एरियास टिपिंग बकेट टाइप कहां करेगा कहा है रिमोट एरियास इनएक्सेसिबल एरियास डेंस फॉरेस्ट हिल्स माउंटेन कभी कभी उधर चलने का मुश्किल हो जाएगा इन दट इनएक्सेबल और रिमोट एरिया के लिए टिपिंग बकेट रेनफॉल हो जाएगा वेइंग बकेट यूके एंड कैनेडा में यूज करेगा वेइंग बकेट टाइप यूके एंड कैनेडा में यूज करेगा वेइंग बकेट टाइप इंडियन मॉडल

टिपिंग बकेट वेइंग बकेट टाइप आर गिविंग एस प्रोवाइडिंग एस मास्क ऑफ रेन फॉल मास्क ऑफ रेनफॉल इज प्रोवाइडेड मास्क ऑफ रेनफॉल इज प्रोवाइडेड बै वे बकेट टाइप फ्लोट टाइप टिपिंग बकेट डज नॉट गिव यू मास्क जस्ट इट गिवस ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए डेप्थ टिपिंग बकेट फ्लोट टाइप विल गिव मास्क रेनफॉल व हाइट एंड डयामीटर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेनगायामीटर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेनगाज साइम रेनगाज और वट इज दरे यूके क्या यूके इज युनाइटेड किंगडम यूके इज यूनाइटेड किंगडम बेटा सो साइमस रेनगाज साइमस रेनगाज आर नॉन रिकॉर्डिंग रेनगास में 12.7 सेंटीमीटर मीटर आर सेंटीमीटर मीटर आर सेंटीमीटर 12.7 सेंटीमीटर 12.7 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हाइट थर्टी सेंटीमीटर हाइट ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर सो यूके एंड कनाडा मिस्टर उमांग श्रीवास्तव यूके एंड कनाडा में हो जाएगा वेइंग बकेट फ्लोट टाइप इज़ इन इंडिया फ्लोट टाइप इज इन इंडिया सो डायामीटर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेनकाज डायामीटर हाइट and identify for SSCJE je aspirants very clearly this is for SSCJE je aspirants identify which of the following is a non recording rain gas measurement of record of rainfall over an area is done by this kind of questions uh, this rain gases are going to provide you very important for uh, ssc JE students diameter and height also kabi kabi <coughs> కవి కవి పూేగ హైట్ అండ్ నైన్టీస్ట్ టోటల్ రైన్ గార్ రికార్డ్ మిన్స్ యూ హండ్రెడ్ రైన్ గార్జెస్ ఇన్ లోకేషన్ రైన్స్ రికార్డ్ సి రికార్డ్ రికార్డ్ మోడల్ దో तो कभी भी नहीं मिल जाएगा हाइटो तो नहीं मिलेगा हाइटो तो नहीं मिलेगा हम ड्रा करना पड़ेगा सहदेव टिपिंग बकेट में हाइटो तो नहीं मिलेगा टिपिंग बकेट में सिर्फ लाइंस मिलेगा लाइन एक लाइन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव एम ए लाइन्स काउंट करो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू नंबर ऑफ लाइन टोटल डेप्थ मिलेगा टिपिंग बकेट में हाइटोग्राफ कोई जगह में नहीं मिलेगा वेग बकेट फ्लोट टाइप दोनों मास्क कर दे रहे हाइटोग्राफ हम खुद से ड्रा करना पड़ेगा एवरी अवर रेनफॉल वैल्यूज लेके हम ड्रा करना पड़ेगा निशाल शुक्ला कहा चले गए अभी तक नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गाजस नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गाजस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपॉन एरर होल स्क्वायर नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गाजेस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपॉन एरर होल स्क्वायर सो दिस इज ए कैचमेंट ये कैचमेंट में ऑलरेडी

ट डिसाइड डिसन ऑप्टिमम नंबर क्या है इनके लिए सीवी वाई होल स्क्वायर ये सीवी कैसा आएगा सीवी गारू सीवी इज इक्वल टू एवरेज प्रेसिपिटेशन वन मिनट सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एवरेज प्रेसिपिटेशन इनटू हंड्रेड एवरेज प्रेसिपिटेशन यहां से मिल जाएगा ना पी इज इक्वल टू पी एवरेज इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पी सी प्लस पी डी अपॉन फोर फोर होगा तो फोर पांच होगा तो पांच छ होगा तो छे लो एवरेज रेनफॉल मिल जाएगा पी एवरेज मिल जाएगा देन स्टैंडर्ड डिविएशन कहा से मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल रेनफॉल माइनस एवरेज रेनफॉल होल स्क्वायर इट इज गिवेन अंडर द रूट समिजुअल रेनफॉल माइनस एवरेज रेनफॉल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन अंडर द रूट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन अंडर द रूट ये बोल रहे हम स्टैंडर्ड डिविएशन मनीष गुणवती ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़ लो लिखो ध्यान से लिखो क्वेश्चन का आंसर मनीष अच्छे से लिखो चलो समझ आ रहा है आपको सो so, यन ऑप्टिमम मिल जाएगा इधर यन ऑप्टिमम और ज्यादा होने के बाद एडिशनल होना चाहिए हमको एडिशनल एडिशनल इज इक्वल टू यन ऑप्टिमम

so cv is equal to sigma upon p average into 100 so sigma standard deviation sum of pi minus p average whole square by n minus 1 under the root standard deviation n additional mil jayega chalo done <coughs> now मीन रेनफॉल एस्टिमेशन ओवर अकेचमेंट मीन रेनफॉल एस्टिमेशन ओवर अकेचमेंट एक कैचमेंट का जगह में मीन रेनफॉल कैसा हो जाएगा सो ऑलरेडी वी हैव शोन ऑलरेडी वी हैव शोन देर आर डिफरेंट रेन गाजेस एट डिफरेंट लोकेशन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर बट आई डोंट वॉन्ट

ये पूरा का पूरा कैचमेंट का वैल्यू क्या है हमको इंडिविजुअल रेनगा स्टेशन का वैल्यू नहीं चाहिए हमको सिर्फ कैचमेंट का चाहिए ये कैचमेंट का वैल्यू क्या है दट इज मीन रेनफॉल एस्टिमेशन रेनफॉल एवरेजिंग रेनफॉल एवरेजिंग क्या है रेनफॉल एवरेजिंग सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ए सिंपल मीन मेथड सिंपल मीन मेथड पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन पी एन एन, सिंपल मीन मेथड वी कॉल दिस अर्थमैटिक एवरेज मेथड सिंपल मीन मेथड सिंपल मीन मेथड बट आलवेज सिंपल मीन वी कॉन्ट एक्सेप्ट दट इज वाई We are going forward to somewhat more accurate method, somewhat more accurate method, Thiessen polygon method, which is a weighted average between area and precipitation P1A1, P2A2, P3A3, and so on, A1 plus A2 plus A3. सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेसिपिटेशन इन टू एरिया अपॉन समरिया सम ऑफ प्रेसिपिटेशन इन टू एरिया अपॉन समरिया थीन पॉलीगोनल मेथड थी सेन पॉलीगोनल मेथड सो यह थीसेन पॉलीगोनल मेथड में कभी कभी वेट्स मिल जाएगा यस yes, कभी कभी वेट्स मिल जाएगा यह वेट्स क्या है ए वन बाई ए टू बाई ए थ्री बाई ए इनका नाम दे रहे हम, है वेट्स, थी वेट्स। सो ये थी वेट्स so, थ्री मिल गया हमको ऑल थ्री थी वेट्स का सम ये याद रखो सम ऑफ थीस वेट्स ज इक्वल टू वन समीस एंड वर्ड्स विच इज इक्वल टू वन ये कौन आ गया अरे बीच में कुछ बात कर रहे इधर चलो आइसोहाइटल मेथड आइसोहाइटल मेथड

सो दट एरिया इज देर न दिस एरिया विल टेक दिस एरिया बिटवीन नाइन एंड टेन आइसो हाइटल एरिया नाइन और टेन दोनों का बीच में एरिया हो गया आइसो हाइटल एरिया इनका एवरेज नाइन प्लस टेन बाई टू नाइन पॉइंट फाइव इधर लेवन आ गया आउंड ये इंटर आइसोहाइटल एरिया बिटवीन टेन एंड इलेवन इनका प्रेसिपिटेशन वैल्यू ले रहे टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव इधर ट्वेल्व मिलेगा ये एरिया को इंटर आइसोहाइटल एरिया इधर इलेवन पॉइंट फाइव सो कैचमेंट में द रीजियंस हैविंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आर टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आर टेकन And they are connected and provided isohytal regions. Provided isohyetal region. See, P1 is 9, P2 is 10, P3 is 11, P4 is 12. What is 9.5? P1 plus P2 by 2. 10.5, P2 plus P3 by 2. 11.5, P3 plus P4 by 2. सो so, एक चीज के लिए एवरेज करना पड़ेगा वी हैव टू टेक एवरेज बिटवीन द टू रेनफॉल वैल्यूज पी वन प्लस पी टू बाई टू पी टू प्लस पी थ्री बाई टू पी थ्री प्लस पी फोर बाई टू पी फोर प्लस पी फाइव बाई टू इस एवरेज प्रेसिपिटेशन लेके वेटेड एवरेज निकालो वेटेड एवरेज निकालो हो जाएगा नाउ एवरेज प्रेसिपिटेशन एवरेज प्रेसिपिटेशन वन प्लस पी टू बै टू इंटू ए वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री बै इंटू ए टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर बै टू इंटू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो इटल प्रेसिपिटेशन बोल रहे दिस वैल्यूज़ आर कमिंग ना एवरेज वैल्यूज़ आर कमिंग ना दट एवरेज वैल्यूज़ विच आर कमिंग आर रेनफॉल डेप्स पी वन प्लस पी टू बाई टू पी टू प्लस पी थ्री बाई टू पी थ्री प्लस पी फोर बाई टू दो आइसो हाइटल रेनफॉल डेप्स एंड दिस इज मोस्ट एक्ूरेट मेथड ऑफ एवरेजिंग मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ रेन फॉल एवरेज डिटर्मिनेशन एवरेजिंग औट ऑफ थ्री सिंपल मीन थी से पॉलीगोनल एंड आइसो हाइटल द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज आइसोटल मेथड चलो <clears throat> missing rainfall determination, missing rainfall determination. Sometimes at a non recording rain gas station, either because of absence of observer or because of some repair in the rain gas station, some rainfall data is missed. So, for example, again we will take this is a catchment. एक एचमेंट में इधर एक स्टेशन एक्स इनका रेनफॉल मिस हो गया स्टेशन ए स्टेशन सी स्टेशन बी स्टेशन डी स्टेशन ई दिज आर सराउंडिंग स्टेशन सो मिसिंग स्टेशन का नाम क्या दे रहे हैं हम यक्स एक्स इज रेनगाज स्टेशन एट विच डेटा मिसिंग रेनगाज स्टेशन एट विच रेनफॉल डेटा नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली डेटा मिसिंग सो सराउंडिंग स्टेशन वी सेलेक्ट टू आर थ्री विचार हाइड्रोलॉजिकली मेट्रोलॉजिकली जॉमेट्रिकली सिमिलर ये सराउंडिंग स्टेशन का नाम दे रहे हैं हम बेस स्टेशन सराउंडिंग स्टेशन एक्स वी आर नॉट टेकिंग ऑल ए बी सी डी ई हम पूरा का पूरा एबीसीडी नहीं ले रहा है इनके लिए वी आर टेकिंग द स्टेशन विच आर हाइड्रोलॉजिकली जोमेट्रिकली मेट्रोलॉजिकली सिमिलर विथ स्टेशन एक्स दो आर कंसिडर्ड दट दो

अगेन हियर आलो हियर आलो अर्थमैटिक मीन मेथड अर्थमैटिक मीन अप्रोच सिंपल मीन आर अर्थमैटिक मीन मेथड सो पी एक्स इज ईक्वल टू पी एक्स इज ईक्वल टू बेस स्टेशन प्रेसेशन वैल्यू बै नंबर ऑफ बेस स्टेशन एक्स इज ईक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अपॉन एम एम ऑफ बेस स्टेशन नाटल स्टेशन प्लीज डू रिमेबर दिसमेंबर दिस पी एक्स इज ईक्वल टू पी एक्स इज ईक्वल टू नंबर स्टेशन The most important, most important normal ratio method, normal ratio method normal ratio method. So we are taking normal annual rainfalls at station X as well as at base stations. नॉर्मल रेशियो मेथड में नॉर्मल एन्युअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स भी ले रहा है नॉर्मल एन्युअल रेनफॉल एट बेस स्टेशन भी ले रहा है सो नॉर्मल एन्युअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स अपॉन एम नॉर्मल एन्युअल रेनफॉल एट स्टेशन एक्स अपॉन इन टू पी वन बाई एन वन पी टू बाई एन टू थ्री बाई एन थ्री पूरा ले लिया नॉर्मल एनुअल रेनफॉल्स इंडिविजुअल एनएक्स बाई एम इंटू पी वन बाई एन वन प्लस पी टू बाई एन टू प्लस पी थ्री बाई एन थ्री नॉर्मल रेशियो मेथड से चले गए क्या रहे? Background आ रहा है बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है एनी अदर स्टूडेंट हैविंग फेसिंग द इश्यू क्या वॉयस आ रहा बैकग्राउंड में हा एम इज इक्वल टू थ्री है हा दिस इज मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड चलो डन दिस वन फिनिश्ड और चलेगा फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रिटर्न पीरियड रिकरेंस इंटरवल रिटर्न पीरियड और रिकरेंस इंटरवल रिकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड क्या है आज पायल जंगीड गारू का वेस्टर्न राजस्थान थार डिजर्ट में पायल गारू दिल्ली चले गए सो आज एक रेनफॉल आ गया

in the year 2023 in the year 2023 september 27 september 27 me ho gaya. then the next same flood or the flood of greater magnitude when it is going to happen in future future me aur kab ho jayega that determination finding the probable occurrence of a flood in future after how many number of years

ह्यूज डैमेज हैपेंड इन वन लोकेशन ये ह्यूज डैमेज होने के कारण से ये फ्लड और नेक्स्ट टाइम आने के बाद हम प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सो फ्रॉम टुडे टुडे वन फ्लड आज से और कितना साल के बाद आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सेम आर ग्रेटर देन द सेम फ्लड गोइंग टू हैपन दैट इज कॉल्ड रिटर्न पीरियड और रिकंस इंटरवल समझ आ रहा है

or greater than specific magnitude in future in future from its present occurrence from its present occurrence रिटर्न पीरियड सो आज अक्कर हो गया देन फ्यूचर में कब अक्कर हो जाएगा आज हो गया अक्करेंस, फ्यूचर में कब अक्कर हो जाएगा इनका बारे में हम बात करेगा ये बोल रहे रिटर्न पीरियड दिस रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई एम एन प्लस वन बै फिबुल फार्मूला एस पर विबल फार्मूला अपॉन एम माइनस जीरो पॉइंट फाइव एज पर हेजन फार्मूलाई एम California formula. N by M California formula. Return period is equal to N plus 1 by M Weibull formula. N plus 1 by M Weibull formula. N upon M minus 0 0.5 Hazen formula. N by M California formula. N by M California formula. एम एंड एम क्या है एन एंड एम क्या है एन इज टोटल नंबर ऑफ फ्लड वेरिएबल्स फ्लड्स। टोटल नंबर ऑफ फ्लड वेरिएबल्स अवेलेबल। यम इज रैंक ऑफ फ्लड अंडर एनालिसिस रैंक ऑफ Specific flood. So, among the given values of a flood, among given values, for example, you have been provided with 20, 25, 30, 35, 40, 45. Among this given, 20, 25, 30, 35, 40, 45, total 6 number. 6 is total number n.

ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा देखो 45, फाइव 35, 30, 25, 20. ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सो वी आर एनालाइजिंग फ्लड ऑफ मैग्निट्यूड थर्टी मीटर क्यूब पर इसके लिए हमको रिटर्न पीरियड चाहिए रैंक से अलाट करो यम रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री रैंक फोर रैंक फाइव रैंक सिक्स एम हो गया एन इज सिक्स एम इज फोर सो आई ऑलवेज फॉलो विबुल फार्मूला विबुल फार्मूला क्या है विबुल फार्मूला एन प्लस वन बाई एम लिख दिया एन प्लस वन बाई एम सो सिक्स प्लस वन बाई फोर विबुल गारू हेजन गारू सिक्स बाई फोर माइनस जीरो पॉइंट फाइव कैलिफोर्निया सिक्स बाई फोर रिटर्न पीरियड मिलेगा आपको रिटर्न पीरियड मिलेगा फर्स्ट वन वन पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव इयर्स वन पॉइंट सेवन वन फोर सेकेंड वन थर्ड वन वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इिटर्न पीरियड मिल जाएगा ना हरेक जगह में हरेक चीज के लिए आपको सो गिवेन वैल्यूज ऑफ फ्लड्स अरेन्ज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा अरेंज करो एम वैल्यूस रैंक्स निकालो एन वैल्यूस फाइंड आउट करो देन टी वैल्यू मिल जाएगा आपको टी वैल्यू मिल जाएगा आपको देन फ्रॉम दिस प्रॉबेबिलिटी ऑफ अकरेंस probability of occurrence p 1 by t probability of not occurrence means for example humboldtia humboldtia either this flood is going to happen between 1.5 to 1.75 flood of 30 meter cube per second

वन माइनस वन बाई टी ये ऐसा भी लिखेगा कभी कभी टी माइनस वन बाई टी प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस पी वन बाई टी प्रोबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस क्यू टी माइनस वन बाई टी सो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस एट ऑल not occurrence at all at all in n successive years in n successive years flood kabhi nahi aa hai flood kabhi nahi aa hai not at all coming p naught. so how many times it is occurring zero times of occurring flood kabhi nahi aa hai probability of not occurrence at all khabi b any time 0 times of occurrence 0 time, times of occurrence q power n q power n 1 minus 1 by t whole power n <coughs> p naught is equal to p naught is equal to q power n 1 minus 1 by t whole power n P naught. So, P is 1 by T, Q is 1 minus P, Q power N, P naught, not at all occurring, 0 times of occurrence. Then, probability of occurrence, probability of occurrence, R times. So R times in N successive years. Probability of occurrence R times in N successive years. P R N. P R n. So it's an N C R formula. N C R formula. एग्जाम्पल ए फ्लड ऑफ रिटर्न पीरियड टू ईयर्स एक फ्लड है इनका रिटर्न पीरियड दो साल टू ईयर्स सो हाउ मेनी टाइम्स इट विल अक्कर इन टेन इयर्स इन ए सक्सेसिव टेन इयर्स इन ए सक्सेसिव स्पैन ऑफ टेन ईयर्स दिस फ्लड अक्कर फाइव टाइम्स ना एवरी टू ईयर्स वंस टोटल फाइव टाइम्स इट इज पॉसिबल टू अक्कर ना हमें ऐसा बोल दिया रिटर्न पीरियड इज ए टू ईयर्स एन इज अ टेन ईयर सो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फाइव टाइम्स कैन यू से हंड्रेड परसेंट पॉसिबल आप बोलेगा ऐसा फाइव टाइम्स पक्का आएगा नो दट डिटर्मिनेशन इनका इनका डिटर्मिनेशन बोल रहा है हम पी आर एन पी आर एन एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल into n minus r factorial n factorial upon r factorial into n minus r factorial p power r q power n minus r p power r q power n minus r <laughs> n factorial upon r factorial into n minus r factorial p power r p power r इन टू क्यू पवर एन माइनस आर सो यू कैन गिव टू हंड्रेड स्टार्स फॉर दिस एस्पेश मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर टॉपिक पक्का ये वाला आएगा हाइड्रोलॉजिक रिस्क वो बोल रहे आर आर प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वंस प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस एक बार फ्लड आने के बाद ये हाइड्रॉलिक स्ट्रक्चर का जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा इवन वन टाइम फ्लड अकर्स इवन वन टाइम फ्लड अकर्स ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वो जगह पे हम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना दिया ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जिंदगी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा अब सिर्फ एक बार देने के बाद भी सो वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिक रिस्क प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस करेंस एटलीस्ट वंस पी वन बोल रहे पी वन बोल रहे आर आर बोथ आर सेम पी वन आर आर वन माइनस क्यू q एन वन माइनस क्यू एन ये वन माइनस क्यू पावर एन में क्या आएगा

द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा फार्मूला का बारे में और न्यूमेरिकल का बारे में दट मनी स्टार्स यू कैन गिव फॉर दिस चलो सो वी विल गो एहेड विथ पार्ट 2 आई थिंक दिस इज 25 फाइव आवर्स प्लस क्लास वी कवर्ड मैक्सिमम इन टू आवर्स

और क्या चीज है बात करने के लिए बताओ और कुछ है बात करने के लिए बताओ जल्दी जल्दी बताओ ना कुछ है बात करने के लिए एनी थिंग एनी वर्ड्स एनी थिंग यू वॉन्ट टू से हा हम बोल रहे एक वर्ड बोल रहे इधर एक वर्ड बोल रहे सिर्फ अभी 25 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है अनकेडमी में 25 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है अन में सो so, हमारा यूनिवर्सल कोड लगा दो आपका दोस्त या दुश्मन एक्स वाई जेड किसी को बोलो और हम नया बैच लॉन्च हो रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेंबर फ्राइडे फाइव थर्टी पी एम वी आर कमिंग अप विथ िक्स एंड फाउंडेशन एक्सक्लूसिव गेट कोर्स एक्सक्लूसिव क्रिस्टल क्लियर गेट कोर्स फिफ्टीन मार्क्स फोर देंगे आपको फिफ्टीन मार्क्स मिल जाएगा फिफ्टीन मार्क्स मिल जाएगा हा पूरा मिल जाएगा डोंट वरी बेटा निशाल शुक्ला पूरा फ्री क्लास में मिल जाएगा डोंट वरी ओके कटदादा क्या कुछ रसगुल्ला मिल गया हमको व्हाट्सअप में दादा कुछ रसगुल्ला दिया व्हाट्सएप में हमको हाँ बहुत खुश हो जाएगा व्हाट्सएप में रसगुल्ला बेच दो ना और क्या है बात करने के लिए बेटा रिविजन रिक्वाड हेच एम रिविजन रिक्वायर्ड और पूरा चाहिए जिंदगी पूरा हर एक सब्जेक्ट का रिविजन हम करेंगे डोंट वरी थोड़ा टाइम दे दो ना हो जाएगा थोड़ा टाइम दे दो हो जाएगा एंड टुमारो एक सेशन कंडक्ट करेंगे इरिगेशन क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर गेट गेट के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी टॉप थर्टी फॉर एस एस सी हो गया इरिगेशन। ना गेट टॉप टेन क्वेश्चन करेंगे टुमारो एंड आफ्टर टुमारो वी टेक हाइड्रोलॉजी अगेन डे आफ्टर टुमारो वी टेक हाइड्रोलॉजी अगेन टुमारो सेम टाइम फाइव थर्टी फाइव थर्टी में चलेंगे निशाल शुक्ला फाइव थर्टी में इरीगेशन टॉप टेन क्वेश्चन डू टॉप टेन इरिगेशन इंजीनियरिंग डू बिकॉज एस एस सी जेई स्टूडेंट को टॉप थर्टी बना दिया हम इरीगेशन रिविजन हो गया मैराथन हो गया एस एस सी जेई स्टूडेंट फुल कुछ हो गया नाउ गेट स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन बना लेंगे टुमारो फाइव थर्टी में करेंगे ये क्लास ओवर क्लास ओवर डन मीट विल मीट टुमोरोर्टी इरीगेशन क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन और हाइड्रोलॉजी डे आफ्टर टुमोरो आएगा हाइड्रोलॉजी विल अनाउंस द टाइम ओके डन बाय 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 बाई गए बाय बाय